हेलो फ्रेंड्स, सीजी मास्टर ग्रुप से मैं सुरुचि एक बार फिर आपके लिए एडोब एनिमेट सीसी का एक ट्यूटोरियल लेके आई हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी करेक्टर के आई ब्लिंक का एनिमेशन। 2D एनिमेशन में आई ब्लिंक कैसे होता है, तो स्टार्ट करते हैं। एडोब एनिमेट सीसी मैंने ओपन कर रखा है और इसमें आप देख सकते हैं ये एक करेक्टर है। अब हम इसमें आई ब्लिंक करने जा रहे हैं। अब हम सबसे पहले इस करेक्टर को ग्राफिक बना लेंगे। F8 प्रेस करके मैंने इस करेक्टर को ग्राफिक में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम इस करेक्टर के अंदर जाएंगे और अंदर जाने के बाद हम देख सकते हैं करेक्टर को मैंने पहले से ही अलग अलग ग्राफिक में डिवाइड कर रखा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मॉडिफाई में जाकर इस करेक्टर को डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर लेंगे, अलग अलग लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे करेक्टर के सारे पार्ट्स अलग अलग लेयर्स में डिवाइड हो चुके हैं। अब हम इस फेस के अंदर जाएंगे। अब फेस के अंदर जाने के बाद हम देखेंगे कि इसकी जो नोज है उसको हम एक अलग लेयर पे रखेंगे, इसके फेस के पीछे का पार्ट हम अलग लेयर पे रखेंगे और इसकी जो ये आईज हैं दोनों, इसको हम एक अलग लेयर पे रखेंगे। इन लेयर का हम रीनेम कर देंगे, हम लेयर के नेम चेंज कर देंगे। अब हम आई वाली लेयर को ग्राफिक में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने F8 प्रेस किया और उस पर लिख दिया आई। अब हम आई वाली लेयर के अंदर जाएंगे। अब अंदर हम इन लेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पहले हम इन सारी चीज़ों को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने की शॉर्टकट की है Ctrl+V। कोई भी चीज़ अगर ग्रुप है और उसको आपको ब्रेक करना हो तो Ctrl+B दबाइएगा, आपकी चीज़ें ब्रेक हो जाएंगी। अब ब्रेक करने के बाद हम इसमें आईब्रो दोनों इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कट करेंगे और उसके बाद एक नई लेयर बनाएंगे, इसका नाम लग देंगे हम आईब्रो, और इस पर हमने आईब्रो लेयर आईब्रो को पेस्ट कर दिया। आईब्रो हमारा एक लेयर में हो गया। अब जो आईज की ये जो लाइन है, इस लाइन को हम कट करेंगे और एक नई लेयर लेंगे, उसका नाम लग देंगे हम आउटलाइन, और उस पर इस लाइन को हम पेस्ट कर देंगे। अब जो आईज की दोनों पुतलियां हैं या जो दोनों आईज हैं उन्हें हम कट करेंगे, एक नई लेयर लेंगे आईबॉल, और इस पर हम पेस्ट कर देंगे। अब देखिए क्या क्या हुआ। सबसे पीछे हुआ हमारा आईज का जो वाइट बैकग्राउंड है वो, उसके बाद है आईबॉल, उसके बाद है लाइन, और उसके बाद ऊपर है हमारा आईब्रो। इस तरह से हम आई बनाने के लिए इन चीज़ों को अलग अलग लेयर्स में डिवाइड कर दिया है। दोनों आईज जो हैं ये एक ही ग्राफिक के अंदर हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 25th फ्रेम के आगे एक F6 लगाएंगे। आईबॉल पर एक F6 लगाया, आईब्रो पर एक F6 लगाया, और हमने लाइन पर एक F6 लगाया। अब हमारी जो आईज है वो यहाँ से बंद होना स्टार्ट होगी। अब हम लाइन टूल सेलेक्ट करेंगे, कलर जो हमारी लाइन का है वो ही हम पिक करेंगे। अब हम शिफ्ट दबाकर एक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लेंगे, और ये लाइन हम लाइन टूल वाली लेयर पर ही खींचेंगे ताकि हम एक्स्ट्रा लाइन को आराम से सेलेक्ट करके डिलीट कर सकें। अब हम लाइन टूल को एक शेप दे देंगे। अब हम बाहर आएंगे और जो हमारा बॉडी का कलर है उस बॉडी कलर को हम पिक कर लेंगे। अब हम वापस आईज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर आकर हम यहाँ पर वही कलर फिल कर देंगे। ये देखिए कलर फिल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो आउटलाइन है इसको हम डिलीट कर देंगे। अब ये हमें कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब यही सेम प्रोसेस हम आगे करते हुए चलेंगे, एक फ्रेम छोड़कर एक फ्रेम में। हाँ, जब ये आई थोड़ी सी नीचे होगी तो हमारी आईब्रो भी हल्की सी नीचे होगी, तो मैं इसे दो फ्रेम नीचे कर दे रही हूँ, यानी कि दो बार स्पेस बार दो एरो की दबा के इसे नीचे कर दे रही हूँ। थोड़ा सा स्पेस देके हमने फिर आईब्रो और लाइन पे फिर से F6 प्रेस करके की फ्रेम एक्टिवेट कर लिया। उसके बाद फिर से हमने एक लाइन लिया। अब हम लाइन थोड़ा सा नीचे से लेंगे। इस लाइन को हमने थोड़ा शेप दे दिया और आउटलाइन के पार्ट्स को हमने डिलीट कर दिया।
उसके बाद फिर से उसी कलर को हमने उसके अंदर पिक कर दिया और बाकी जो एक्स्ट्रा जितनी भी आउटलाइंस हैं उनको हमने डिलीट कर दिया। अब जो हमें एनिमेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहाँ से डायरेक्ट बंद होगा। अब हमने फिर से दो फ्रेम आगे करके F6 प्रेस करके की फ्रेम बना लिया और लाइन टूल पे फिर से हमने, अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कलर फिल कर लेंगे क्योंकि अब हमें पूरा क्लोज करना है, तो जो बकाया जो रह गया है उसमें भी हमने बॉडी कलर फिल कर लिया है और आउटलाइन को हमने सारा डिलीट कर दिया है। अब अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो कुछ इस तरह से प्ले होगा। आईब्रो को भी हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आईज हमारी बंद होंगी ब्लिंक होंगी उसी तरह से आईब्रोज को भी हम साथ साथ थोड़ा सा नीचे करते रहेंगे। अब ये होने के बाद अब ये वापस रिवर्स होगा, अब ये आईज वापस ओपन होंगी। अब यहाँ पर कौन सा फ्रेम आएगा, यानी कि जो हमारा सेकंड फ्रेम है वो हम यहाँ रखेंगे फिर फर्स्ट फ्रेम। एक तरीका है इसका, ऑल्ट के साथ हम फ्रेम को ड्रैग करा कर वहाँ पर रख दें। ऑल्ट के साथ सब फ्रेम को पकड़ के हमने वहाँ पर रख दिया और उसके बाद राइट क्लिक करके रिवर्स फ्रेम सेलेक्ट कर लिया, तो हमारा जो एनिमेशन होगा वो इस तरह से होगा। या फिर एक तरीका और है इसको रिवर्स करने का कि आप एक एक फ्रेम को ऑल्ट के साथ आगे शिफ्ट करते जाएं। अब जो रिवर्स वाले फ्रेम है उसके बीच में जो गैप है उनको हम डिलीट कर देंगे क्योंकि आईज जब ओपन होती हैं तो वो एकदम से ओपन हो जाती हैं, तो हमने बीच वाले फ्रेम के जो गैप हैं उनको हम डिलीट कर दे रहे हैं। शिफ्ट F5 करके एक एक गैप करके हम इसके गैप को हटा देंगे। अब अगर हम बाहर आके इसे प्ले करेंगे तो देखिए किस तरह से प्ले होगा। अभी आप देख रहे हैं कि आईज हमारी जल्दी जल्दी बंद हो रही हैं। अगर हम इसमें 70 का या 75 समथिंग का गैप दे देंगे और अब अगर हम इसे प्ले करके देखेंगे तो देखिए ये कुछ इस तरह से प्ले होगा। बंद हुआ, फिर थोड़ी देर रुका, फिर बंद हुआ, फिर थोड़ी देर रुका, तो इसमें ये होता है कि हाँ थोड़ा सा स्पेस मिल गया, आईज हमारी थोड़ा सा रुक रुक के बंद हो रही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हमने आपको आई ब्लिंक का बहुत ही इजी तरीके से 2D में एनिमेशन बताया है। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।